फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में फिर एक बार ये चर्चा जो है खूब तेजी से चल रही है, क्या मध्य प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है? जी हाँ, सत्ता में बदलाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। हुआ ये घटनाक्रम पूरा कि नरोत्तम मिश्रा जो है प्रदेश के गृह मंत्री, वो दिल्ली क्या गए अचानक, उसके बाद सियासी जो तापमान है वो गर्मा गया, सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी क्या मध्य प्रदेश में फेरबदल हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जो जानकारी सामने निकल कर आई गृहमंत्री की तरफ से कि वो किसी इलाज के काम के लिए दिल्ली गए हुए थे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इतनी तेज हो गई और बात ये निकल गई कि नरोत्तम मिश्रा को आलाकमान ने तलब किया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। पहली बार नहीं हुआ, नरोत्तम मिश्रा जब भी दिल्ली जाते हैं और अगर आलाकमान के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात है तो सियासी संदर्भ में ऐसा जोड़ के देख लिया जाता है, लेकिन सियासत यहां पर सियासी गलियारों तक नहीं थी। दरअसल प्रदेश के बड़े नेता बीजेपी के और वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव ने जब ये कह दिया बगैर नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए हुए कि जो दिल्ली जाते हैं नेता वो दिल्ली जाए, मैं दिल्लीवादी नेता नहीं हूं और बीजेपी में दिल्ली जाने का मतलब नहीं होता है, बीजेपी में अनुशासन वाली पार्टी है, यहां लाइजनिंग सिफारिश और इस तरीके की स्थिति नहीं होती है और मैं दिल्लीवादी नेता नहीं हूं, मैं दिल्ली जाने में इस तरीके से यकीन नहीं रखता हूं, मैं प्रदेश का वरिष्ठ मंत्री हूं, ये गोपाल भार्गव ने कहा। गोपाल भार्गव के इस बयान के बाद सियासी तौर पर और नई नई चीजें जुड़ने लगी, नए नए गलत लगने लगे। अब इस बीच में हुआ ये कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जब इंदौर पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि प्रदेश में बदलाव होगा या नहीं, सुनिए। ऐसा है कि आप जानते हैं कि उनके नेता भी 31 दिसंबर 1 जनवरी फेस्टिवल मनाते हैं, उनके लिए दिवाली से ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो उसी में व्यस्त होंगे मुझे लगता है, जैसा उनके नेता वैसा उनके कार्यकर्ता। तो लगातार दिल्ली दौड़ हो रही है, नरोत्तम गए, बाकी लोग भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलाव क्या सीन बन रहा है? सब अफवाह है, ये सब इसमें कोई दम नहीं है, अभी सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, नरोत्तम जी की उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी हुई है, हम लोगों को अलग अलग कामों में लगाया गया है चुनाव के ही, तो अभी सभी कार्यकर्ता जिनकी जहाँ ड्यूटी लगी वो लगे हुए हैं। अब पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ बातें अखबारों में पढ़ने को मिल रही, मैं भी आश्चर्यचकित। सुना आपने, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने बता दिया कि अभी कोई इस तरीके की बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। जहां तक सवाल नरोत्तम जी का है तो वो यूपी के प्रभारी हैं, उनको यूपी में कई जिम्मेदारी दी गई है, इस वजह से उनको दिल्ली बुलाया गया होगा या वो निजी कार से गए होंगे, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती है, लोग अपने काम से दिल्ली जाते हैं। तो ये जो दिल्ली यात्रा है इसने प्रदेश में जो है सियासी चर्चा जरूर बहुत तेज कर दी है। दिल्ली यात्रा के बाद जिस तरीके की गड़त लगने लगे, गोपाल भार्गव का बयान भी सामने आ गया, उसके बाद अनुमान भी लगने लगे कि आखिरकार क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप बता दूं कि पहली बार नहीं है, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने जब चौथी बार कमान संभाली उसके बाद लगातार कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं कि ये चर्चा हो जाती क्या मध्य प्रदेश में फेरबदल होगा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन इस तरीके की स्थिति नहीं बनी है। एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय सामने आए और उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी। इंदौर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देखते रहें एमपी तक।